आज से हिना खान शुरू करने जा रही हैं एकता कपूर के शो नागिन 5 की शूटिंग। आपको बता दें, हिना कुछ एपिसोड्स का हिस्सा होंगी। हिना खान का नागिन 5 से पहला लुक भी सामने आया है। सुशांत के जाने के बाद से अंकिता कई बार काफी इमोशनल होती हुई नजर आई हैं। इस बीच अंकिता लोखंडे का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। तस्वीर में अंकिता और सुशांत बर्फ में एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में अंकिता ने लिखा है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ गुगा, लव यू सो मच बेबी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभा रहे गुरुचरण सिंह ने शो छोड़ दिया है। इस बीच खबरें ये भी है कि शाहरुख खान के को-स्टार रहे एक्टर बलविंदर सिंह सूरी को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया है। पार्थ समथान पर लगे क्वारंटाइन रूल्स तोड़ने के आरोप, इस पर एक्टर ने दिया जवाब, कहा, हाँ मैं कोविड नेगेटिव आया हूँ, मैं 17 दिनों से होम क्वारंटीन था, टेक्निकली ये 14 दिन से ज्यादा होता है, और हाँ पिछली रात मुझे पैनिक अटैक आया, तो क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, और अभी मैं पुणे में अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहा हूँ। तारक मेहता के इस स्टार की फैन है दीपिका कक्कड़। सोशल मीडिया पर दीपिका ने स्क्रीनशॉट शेयर किया। ये स्क्रीनशॉट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभा रहे दिलीप जोशी का इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस पर दीपिका ने लिखा, इंस्टाग्राम पर आपका स्वागत है सर, आपकी फैन ने आपको फॉलो कर लिया है। मे आई कम इन मैडम के सीजन 2 में राजेश कुमार की मैडम का किरदार निभाएंगी नायरा बैनर्जी। हमारी बहू सिल्क की नॉन पेमेंट की बात पर सीरियल के लिए डायरेक्टर जान खान का कहना है कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए हैं, घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, अगर प्रोडक्शन हाउस ने पैसे क्लियर नहीं किए तो उन्हें मुंबई शहर छोड़ना पड़ सकता है। एक्टर ऋत्विक अरोड़ा ने बीते दिनों टीवी शो ये रिश्ते हैं प्यार के को अलविदा कहा था। वहीं अब इस शो में एक्टर अविनाश मिश्रा के आने की खबर है। अविनाश सेठ जी, इश्कबाज मरियम खान और ये तेरी गलियां जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने इंडियन एयरफोर्स को राफेल जेट के लिए अपने ट्वीट के जरिए बधाई दी। बीते दिनों में मन की आवाज प्रतिज्ञा के एक्टर अनुपम श्याम की हालत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अब उनकी तबियत को लेकर नया अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है उनकी हालत में सुधार हो रहा है और अनुपम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं।